हेलो फ्रेंड्स, आगे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन। क्वेश्चन है, इफ 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 3 साइन थीटा कॉस थीटा, देन प्रूव दैट 10 थीटा इक्वल टू 1 और 1 अपॉन 2। तो यह हमें दिया हुआ है 10 थीटा इक्वल टू 1 और 1 अपॉन 2 होगा या नहीं होगा, ये हमें प्रूफ करना है। तो 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा 3 साइन थीटा कॉस थीटा ये दिया हुआ है। बोथ साइड में हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे, यानी कि 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, इसे भी हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड करेंगे, 3 साइन थीटा कॉस थीटा, इसको भी हम कॉस स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे। ऐसा हम कर सकते हैं। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें 10 थीटा की वैल्यू निकालनी है और यहाँ से हमें 10 स्क्वायर थीटा, इधर भी देखेंगे कि 10 थीटा मिल रहा है, इसलिए सभी एक ही फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएंगे 10 थीटा में। तो इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे, यहाँ से देखेंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल, यहाँ से हम कॉस से इस कॉस स्क्वायर है तो एक बार, तो यहाँ पे बचेगा 3 साइन थीटा, और एक बार कॉस कट चुका है तो कॉस थीटा ही नीचे रह जाएगा। 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा होता है, तो यहाँ पे इसको लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में है तो 10 स्क्वायर थीटा लिखेंगे इसको, तो ये हो गया 10 स्क्वायर थीटा, ये हो गया 3 tan थीटा। अब हमें आइडेंटिटी पता है, सेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा लिखेंगे, 10 स्क्वायर थीटा लिख लेते हैं, साथ में ये 10 स्क्वायर थीटा अलग से है, इक्वल टू 3 tan थीटा। यहां से देखेंगे कि ये 2 tan स्क्वायर थीटा हो गया, 2 tan स्क्वायर थीटा, ये इधर ले आते हैं, ट्रांसपोज करते हैं, 3 tan थीटा, ये प्लस में 1 और इधर आ गया इक्वल टू में 0। तो ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। यहाँ पे टेन थीटा को एक्स माने तो 2x² - 3x + 1, इस तरीके से इस इक्वेशन को सोचेंगे, ऐसे मान लेते हैं कि ये ऐसे है 2x², टेन थीटा को एक्स माने तो x² हो गया माइनस 3x + 1 इक्वल टू 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करना हमें आता है, हम इसको स्प्लिट कर सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 tan² थीटा, 2 1 2 होता है तो 3 के पार्ट करने हैं तो 2 और 1 हो जाएंगे, तो 2 tan थीटा - tan थीटा, तो माइनस का 2 tan थीटा, माइनस का 10 थीटा, माइनस के 3 tan थीटा हो जाएंगे, मल्टीप्लाई करने पर -2 और -1 मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 2 आता ही है, इक्वल टू 0। यहां से देखेंगे कि इन दोनों में 2 tan थीटा कॉमन आ गया, 2 tan थीटा कॉमन आ गया, यहाँ पे 2 tan थीटा कॉमन ले लिया तो यहाँ पे एक बार 10 थीटा रह जाएगा, माइनस ये कॉमन आ गया, यहाँ पे 1 रह जाएगा, कुछ भी नहीं बचा वहाँ पे, तो 1 तो रहेगा ही, माइनस इन दोनों के पास कुछ भी नहीं है तो 1 तो होगा ही कॉमन, तो 1 कॉमन ले लेंगे तो 10 थीटा। जब भी माइनस का साइन कॉमन आता है तो अंदर प्लस की जगह माइनस हो जाएगा, ये दोनों हमेशा सेम होने चाहिए। यहाँ से देखेंगे कि 10 थीटा - 1 दोनों तरफ है तो कॉमन ले लिया, तो अंदर क्या बचा, 2 tan थीटा - 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखेंगे कि 10 थीटा भी क्या होना चाहिए, 10 थीटा - 1 इक्वल टू ये भी 0 होगा, या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, ऐसे कंपेयर करते थे तो 10 थीटा इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा इक्वल टू -1 उधर गया तो 1, ये तो आ चुका है 1। ऐसे ही 2 tan थीटा - 1 इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2 tan थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, -1 उधर गया तो 1 आ जाएगा, और 10 थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1 अपॉन 2। तो दोनों हमने प्रूफ कर लिए, 10 थीटा इक्वल टू 1, 10 थीटा इक्वल टू 1 अपॉन 2, ये किया हमने। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने की कोशिश की, यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा से दोनों तरफ डिवाइड किया था, ये था पूरा सॉल्यूशन। तो ये क्वेश्चन कैसा लगा, आंसर कैसा लगा, कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में,